प्रकाशक सातवां अधिकार पेज नंबर 224 सप्त तत्व का यथारूप। ये इस सातवें अधिकार का सबसे महत्वपूर्ण प्रकरण है। सातवां अधिकार ही इस पूरे ग्रंथ का सबसे महत्वपूर्ण प्रकरण है और उसमें भी व्यवहारवासी मिथ्या दृष्टि की जो सात तत्व और देवशास्त्र गुरु संबंधी जो भूल है वो सबसे महत्वपूर्ण प्रकरण। सात तत्व पढ़ता है, सीखता है, उनका स्वरूप समझता है, नाम याद करता है, भेद प्रवेश सीख लेता है और फिर भी भूल नहीं मिटती क्या? और तत्व के सीखने का प्रयोजन उसका यथार्थ श्रद्धा तत्व संबंधी भूल मिटना है और भूल नहीं मिटती इसकी। मतलब ये ऐसा जीव है जिसके शब्दों में तो तत्व है और श्रद्धा में तत्व की भूल है, ऐसी दिक्कत है। और इसलिए इसका इलाज भी बड़ा मुश्किल है होना, क्योंकि जिसके अभी शब्द में नहीं आया हो तो वो उसकी अपन भूल पकड़ सकते हैं, लेकिन वाणी से बिल्कुल सही प्ररूपित करेगा और भाव भासना इसको 1% भी नहीं होती। कबूतर बोलेगा ऐसे ही, तोता शिकारी आता है, जाल फैलाता है और अब अपने को लगा कि भाई इसने पाठ याद कर लिया है इसलिए अब ये जाल में फंसेगा नहीं, और पता चला कि वो तो जाल में फंसे फंसे ही चिल्ला रहा है कि शिकारी आता है और जाल फैला। इसका क्या करें बताओ? आप किसी से भी आदमी पूछ के और उसका स्वरूप समझ, पूछा हमने किसी से कि भाई तुम्हें जीव जीव का स्वरूप समझ में आया कि हाँ, उसने बता दिया यथार्थ जैसा का तैसा। अब उसकी वो भूल क्या रह गई और ये इसके भाव वासना हुई कि नहीं हुई, ये पता करना कितना मुश्किल काम। क्या शब्दों की तो कोई गड़बड़ है नहीं उसके, उसकी जो गड़बड़ है वो कहाँ है? भाव वासना, शब्दों में जो कहते हो निरूपित करता है। जैसे आगे कहेंगे जीव जीव तो कहने को बोलेगा बिल्कुल ये देह है, आत्मा तो बिल्कुल अलग है, देह को तो कुछ हो ही नहीं है, देह तो अजर अमर है। और फिर थोड़ी देर बाद डॉक्टर लोग ढंग से इलाज नहीं कर रहे, पता नहीं कितने डॉक्टर बना दिए इनको क्या। तो तू अभी काय की बात कर रहा था और अभी क्या बात करने लग गया? तो भाव वासना नहीं हुई है, मतलब एक जैसा कॉन्ग्रुइटी नहीं है ना, एक जैसी बात आदि मध्य अंत में, कभी क्या कहे कभी क्या कहे। तो इसका मतलब है कि इसको अंतरंग श्रद्धा नहीं है, ये तो केवल जिनवाणी की सिखा सिखाई हुई बात बोल रहा है, क्योंकि भाव इसको भाषित नहीं हुआ है, ऐसी भूल है। इसलिए इसका बहुत पोस्टमार्टम करके इसकी भूलें निकालना वो बहुत दुष्कर कार्य है। फिर भी पंडित जी ने उसका बहुत अच्छा विश्लेषण कर करके और उसके अंतरंग में कहाँ कहाँ भूलें पाई जाती है उसका पूरा विश्लेषण चिंतन किया है। ये एक तरह से पोस्टमार्टम है, ये पूरा एक एक लाइन एक एक बात का भूल कहाँ है हमारी। धर्म तो सभी कर रहे हैं, धर्म के क्षेत्र में सब आके सब अपना पूरा धर्म के नाम पे काम सब हो रहे हैं, लेकिन फिर भी धर्म की प्राप्ति नहीं हुई। धर्म की प्राप्ति हो जाए तो मुक्ति का मार्ग संसार का अभाव हो जाए, तो संसार का अभाव क्यों नहीं हो रहा है? ये संसार के पात्र बने हुए हैं, सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है तो वो क्यों नहीं हो रही है? तो पंडित जी ने उन सब कारणों का वर्णन किया है कि इसके तत्वार्थ श्रद्धा नहीं है, तत्वार्थ श्रद्धा नहीं है उसके लिए इसने तत्व के नाम भी सीख रखे हैं, क्या उपयोग भी लगाता है, उपदेश भी देता है, सब करता है, लेकिन उनका भाव भाषित नहीं होता। और भाव भाषित होने का नाम ही क्या है? तत्व है। भाव भाषित हो अब कहने में तो राग भाव है, वो दुख रूप है और सब बोल दे, तीव्र राग का सेवन करने के लिए उपाय खोजे कि कैसे अधिक से अधिक राग अधिक की वृद्धि हो,
तो उसके भाव वासना नहीं है कि राग दुख रूप है। और यहाँ भाव वासना की इम्पोर्टेंट, यहाँ भाव वासना की कीमत है, जिनवाणी में जो कुछ भी कीमत है वो किसकी है? भाव वासना की, शब्दों की नहीं है। शब्द चिड़िया को बोलना नहीं आते हैं, तोता मैना को भी नहीं आता, लेकिन उसको उसका भाव हासिल हो जाता है। और यहाँ शब्द बोलने पर भी अंतरंग में उसको भाव भाषित नहीं होता। सो भाव भाषित हुए बिना तत्वार्थ सिद्धांत कैसे होगा? भाव वासना क्या है? सो कहते हैं थोड़ा उदाहरण देखें। देखो पेज नंबर 224 पे है लास्ट पैराग्राफ। जैसे कोई पुरुष चतुर होने के अर्थ शास्त्र द्वारा स्वर ग्राम मूर्छना रागों का स्वरूप और ताल तान के भेद तो सीखता है, परंतु स्वर आदि का स्वरूप नहीं पहचानता और स्वरूप की पहचान हुए बिना अन्य स्वर आदि को अन्य स्वर आदि रूप मानता है अथवा सत्य भी मानता है तो निर्णय करके नहीं मानता है, इसलिए उसके चतुरपना नहीं होता। कितना बढ़िया उदाहरण दिया। कोई व्यक्ति क्लासिकल म्यूजिक की कला प्राप्त करने के लिए एमए वगैरह की एग्जाम में अपीयर होता है, एमए का कोर्स लेता है, एमए इन म्यूजिक, और सारी थ्योरी सीख लेता है, सब जितने भी स्वरों के भेद हैं उनके तान के, उनके राग के, उनके ग्राम के, उनके मूर्छना वगैरह जितने भी है ना, सारा पूरा संगीत शास्त्र सीख लेता है। लेकिन जब कोई बजाता है तो ये बजाते समय उसको ये भाव भाषित नहीं होता कि ये अभी कौन सा चल रहा है, क्या थ्योरी पढ़ रखी है। लेकिन वो जब बजता है तो बजते समय कैसे ताल से ताल मिलाना वो नहीं आता, उसका स्वर कहीं और ही जाता है, बजता कुछ और ही है, क्या ऐसा होता है ना। तो वो उसका वो उसको भाव नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्या चीज है क्या। और किसी किसी ने बिना कॉलेज जाए भी वो उसको संगीत की पकड़ आ जाती है, संगीत की पकड़ आ जाती है तो वो उसको बराबर सब समझ में आ जाता है कि ये क्या है, अभी कौन सा स्वर निकल रहा है तो उसके हिसाब से क्या बोलना, गले को कितना जोर देना, कितना कम देना, कहाँ रुकना, क्या नहीं रुकना। और नहीं आती तो कितनी कोशिश कर लो, ये सब चीज़ें क्या है, संगीत की एक भाव भाषना वाली कला है, ऐसे हर किसी को नहीं आ जाती है कि आप जाओ और जाके जाओ। वो बजाते ना और वो आ करते तो आ सिखाने में उनको पसीना आ जाते, फिर वो बोलते थे भैया हमारे तुम रेन दो इसको, क्योंकि तुम्हारे बस की नहीं है ये क्या। और जो जो जाता है जिसको अंदर में कला होती है उस स्वर को पकड़ने की, वो तो पकड़ लेता फटाफट, उसको सिखाने में शिक्षक को भी ज़्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ता, क्योंकि उसको स्वर की पकड़ है। और थ्योरी पकड़ पढ़ने के बाद में भी इसको स्वर की पकड़ नहीं आ रही क्या, तो वो कह रहे हैं कि ये इसलिए ये सीख लिए सारे, क्योंकि थ्योरी तो सिखाई जा सकती ना, एमए की कोर्स होता है ना, एमए की एग्जाम होती है, इसलिए दो तरह की होती है, एक थ्योरी होती है और फिर प्रैक्टिकल होता है, नहीं तो पता चले उसको उन्होंने दे दिया 99 नंबर आए तो तानसेन का अवार्ड, जब वो गाने लगा तो लोगों ने कहा तानसेन को क्यों बदनाम किया जा रहा है, तो इसलिए वो देखते हैं कि इसको उसकी उसकी भाव वासना मैंने उसकी पकड़ है कि नहीं है स्वर की, क्योंकि ये नाम तो जानता है, गले से कौन सा बोलना वो स्वर बता देगा, नाक से कौन सा बोलना ये बता देगा, लेकिन जब गला और नाक का कहाँ उपयोग करना कैसे करना वो उसको समझ नहीं आता। जब हारमोनियम बजता है ना तो वो स्वर निकालता है जो भी, अब वो कौन सा स्वर है सारे गामा पता नहीं सा, तो वो जो स्वर है वो स्वर के हिसाब से अपना स्वर निकले, वो जो गा रहा है वैसा का वैसे ही ये गाए तो दोनों एक रूपता होए, और जरा भी अलग अलग गाए तो वो अलग गाए और ये अलग गाए, सारी एक रूपता भंग हो जाती है, समझ में ना। तो इसलिए उन्होंने एकदम सटीक उदाहरण दिया कि थ्योरी सीख ली है इसने, लेकिन सीधी सी बात है प्रैक्टिकल में इसके जीरो नंबर है, और यहाँ पर वो थ्योरी से कोई संगीतकार नहीं बन सकता कभी भी। संगीतकार बनने के लिए, गायक बनने के लिए उसको क्या आना चाहिए, गाना आना चाहिए, गाना आने के लिए
वो जो थ्योरी सिखाई है वो थ्योरी का उपयोग करना उसको आना चाहिए कि कहाँ उपयोग करना है इसको। जब जैसा स्वर आए वैसा उपयोग करना जाए उसको, बराबर जोड़ते जाए तो सब सही है और जोड़ नहीं पाए तो सब बेकार है। ऐसे जीवन की भी अपनी एक जो है, जो जीवन एक प्रयोगशाला है, तो इस जीवन की प्रयोगशाला में धर्म को जोड़ना आना चाहिए कि अपने दुख, कोई भी अपने को आकुलता हो तो उस आकुलता का तत्काल प्रतिकार करने के लिए उस सिद्धांत का उपयोग करना आना चाहिए। अथवा तात्विक रूप से चिंतन मनन, तात्विक दृष्टि होनी चाहिए, ये दृष्टिकोण हो कि उससे उसको बराबर जो का त्यो वस्तु स्वरूप भाषित हो तो उसको दुख हो ही नहीं सकता। क्या अनंत प्रतिकूलताएं हो जीवन में, लेकिन यदि हमने धर्म की दवाई यदि उपयोग ली तो वो सारी रोगों को, सारी दुख दर्द को मिटा सकता है, इतनी ताकत उस धर्म में है। लेकिन उसका उपयोग करना ना चाहिए, नहीं तो बस रटंत विद्या हो जाए। नहीं तो प्रश्न पत्र आते ना, ये प्रश्न पत्र, तो उसके अंदर लोगों को प्रश्न पूछना होते तो वो आ जाते। हमारे पास में एक महिला रहती, हर दो चार दिन में उसका आना हो जाता, केवल एक ही काम से आती वो, क्योंकि वो जितने भी प्रश्न मन के प्रश्न निकलते हैं उसके अंदर सबके आंसर भरती हो। उसका जब भी आना होता मैं समझ जाता, मैं कितने प्रश्न लेके आई थी, बोले सात, लाओ बताओ। मैंने एक बार कहा, मैंने कहा देख तू ऐसी बुद्धि विकसित कर जिससे तू खुद प्रश्न बना सके, तू यहाँ स्वाध्याय अध्याय आया कर थोड़ा। मैं तो आप तो ये बता दो आंसर, बता दो आंसर, देख लीजिए बता देते। मैंने कहा ये इससे कुछ नहीं होगा, प्रश्न पत्र भर भर के तो तेरे को इनाम मिल भी जाएंगे तो उससे क्या हो जाएगा, प्रश्न पत्र तो तू हमसे पूछ रही है। लेकिन बस उसको उसी नहीं रह सकता, यही शौक है उसका। मैंने कहा हो सकता है कि भाई फर्स्ट आने के लिए काम का हो, लेकिन इससे तेरे रत्नत्रय की प्राप्ति दुष्कर है, बहुत दूर है। ये निमित्त जिसने भी प्रश्न पत्र बनाया उसने इस निमित्त से बनाया कि तू इसके निमित्त से कभी धर्म ग्रंथ पढ़ेगी, तो इसलिए नहीं कि किसी से पूछ के आ जाएगी। और अब पूछने आ जाए तो मैं मना भी क्या करूं, इतनी हमको तो नहीं आता। एक दो बार तो मैंने काम करके किसी और का हक छिना था इसमें, बेचारा किसी ने ईमानदारी से खुद ने भरा होगा, उसके साथ मैंने कहा बदमाशी हो जाएगी, तो फिर वो जबरदस्ती अरे बता दो आपकी बात तो बताए। लेकिन भाव वासना नहीं है इसका, मतलब कि जो पढ़ाई है वो पढ़ाई काय के लिए है, छोटी छोटी चीजों की, मैंने उसने उसका उपयोग क्या किया, उसका उपयोग तो संसार के काटने के लिए किया जा सकता था, और उसका उपयोग काय के लिए हो गया इतनी छोटी सी चीज। तो भाव वासना क्या हुई, मैंने जो 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 तत्व का स्वरूप हमारे जीवन को परिपूर्ण सुखी हो सक बना सकता था, उसकी काम नहीं मिट जाती अपनी, वो काम ना तो वही पूरी बनी रही। प्रश्न मंच के काम की पढ़ाई हुई या परीक्षा के अंदर परीक्षा के मतलब पेपर लिखने के लिए पढ़ाई, लेकिन उसकी भाव वासना नहीं हुई, और भाव वासना नहीं हुई तो वो काम नहीं। सात तत्व का स्वरूप सीख ले तो उसका फल है सम्यक दर्शन की प्राप्ति। इसलिए जब तक सम्यक की प्राप्ति नहीं हुई तब तक ये माने कि अभी मैंने तत्व का स्वरूप यथार्थ नहीं सीखा है, भाई भाव वासना नहीं हुई तब तक यथार्थ नहीं सीखा है। अंदर में जब तक भाव वासना ना हो तब तक उसका पुरुषार्थ निरंतर किया करे। शब्द सीख लिए उससे कुछ काम नहीं हो जाएगा, यहाँ मेरे को मालूम है जीव अलग है अजीव अलग है, तू कौन है, मैं भी इनमें से कोई ना कोई एक तो हूँ। अभी आगे बताएंगे जीव अजीव कहना, तो ये इसकी भूल है, मैंने इसको भाव वासना नहीं है। उसी प्रकार कोई जीव सम्यक्त्वी होने के अर्थ शास्त्र द्वारा जीवादि तत्वों का स्वरूप सीख लेता है, परंतु उनके स्वरूप को नहीं जानता। क्या उनका स्वरूप सीख लिया उसने, पढ़ी कर ली वैसी, परंतु उनके स्वरूप को नहीं पहचानता। उससे इतने ही पूछ लो आप कि सात तत्व में बताओ हे उपाधेय कौन से हैं, तो देखने लग जाए ये तो किताब में लिखा ही नहीं था। जैसे पढ़ाई करके काम क्या हुआ, ये किताब में नहीं लिखा था, तो किताब में नहीं लिखा था तो तुम्हें अपनी अकल नहीं लगी कुछ भी,
अब तू अपनी अकल से ही बता दे जरा सा कि इसमें से हे कौन से और उपादेय कौन से। अपने को तो सब मालूम है खैर, लेकिन जिसको नहीं मालूम उससे पूछना कि सात तत्व में हे क्या है। तो हे देखते ही हे क्या, हे का मतलब क्या और उपादेय का मतलब क्या है उसके ख्याल में, छोड़ने लायक क्या, ग्रहण करने लायक क्या। कोई भी चीज दी जाती है तो उसका सार क्या पकड़ना है, सार तत्व तो सिखाया अपने को, तो अपने को अब सार क्या पकड़ना है कि भाई आश्रय बंध छोड़ने योग्य है, समर निर्जय ग्रहण करने योग्य, मोक्ष प्रकट करने की अपेक्षा उपाधे, जीव अजीव भिन्न भिन्न करने योग्य, अजीव जानने योग्य, जीव आश्रय करने योग्य, ये सीखना है उसका सार का। और सार नहीं सीखे और वो पढ़ ले तो उससे क्या रहेगा कि जीव के कितने भेद है, कि दो भेद है संसारी मुक्त, संसारी कितने भेद, ये 19 भेद है, 38 भी है, 57 भी, 406, तो 406 का 4000 बता दे। लेकिन तेरे ये बता कि तेरे को ये ख्याल में आया कि नहीं आया कि अजीव जुदा है और जीव जुदा है, कहा यहाँ देह जुदा है आत्मा जुदा है, भेद प्रभेद सीख ले, रट ले, पढ़ ले, लेकिन आपा पर का भेद विज्ञान नहीं करे, कार्यकारी नहीं हुआ जीव अजीव का सीख। तो कोई जीव सम्यक्ति होने के अर्थ शास्त्र द्वारा जीवादिक का स्वरूप सीख लेता है, परंतु उनके स्वरूप को नहीं पहचानता। क्या कह रहे थे, स्वरूप सीख लेता है परंतु पहचानता नहीं, सीखता तो है जीवादि शास्त्र सम्यक्ति होने के अर्थ। पहले तो ये कोई जीव वो भी है सम्यक्ति होने के अर्थ शास्त्र द्वारा जीवादिक तत्वों का स्वरूप सीख लेता है, उसकी बात कर रहे हैं यहाँ। ये यहाँ जो मिथ्या दृष्टि है व्यवहारभाषी, ये कैसा जीव है, ये सम्यक्त प्रकट करने करना चाहता है, धर्म करना चाहता है, धर्म के लिए इसने सीख रखा है, धर्म रत्नत्रय है वो धर्म है, इसलिए क्या करना चाहिए, मुझे रत्नत्रय प्रकट करना चाहिए, रत्नत्रय में सबसे पहली चीज सम्यक दर्शन कही है, तो सम्यक दर्शन मुझे अपने जीवन में प्रकट करना चाहिए। सम्यक दर्शन होने के लिए क्या करना चाहिए कि सम्यक दर्शन होने के लिए शास्त्र में लिखा है कि तत्वार्थ का श्रद्धान करो तो सम्यक दर्शन होगा, तो इसलिए वो शास्त्र पढ़ता है और शास्त्र के द्वारा तत्वों के स्वरूप को भी सीखता है। इतना काम तो करता है ईमानदारी से, इसमें बेईमानी नहीं करता हो। मैंने बराबर धर्म करने के लिए जिनवाणी का अवलंबन लेकर तत्व का स्वरूप सीखता है और ये भी करता है, तो ये भी शाबाशी है उसको इतने के लिए भी, मैंने इतने के लिए भी उसको कोई ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल ही गया बीता है, तो उसकी भूल रह गई इसलिए अपन उसका कह रहे हैं कि ये गलती रह गई, लेकिन उसने इतना भी किया तो भी इतना किया तो उसकी पीठ ही थपथपाएंगे अपन थोड़ी बहुत, इतना तो किया उसने अभी, तो ये किसको बुद्धि उत्पन्न हो रही है कि मुझे सच्चा धर्म क्या है इसका स्वरूप समझू, और धर्म रत्नत्रय है, रत्नत्रय में सम्यक दर्शन करना है और सम्यक दर्शन में मेरे को तत्वार्थ श्रद्धान करना है, तो उसका तत्व के स्वरूप सीखूं, तत्व के नाम सीखूं, स्वरूप सीखूं। ये यहाँ तक के कोर्स भी कौन आएगा पास होगा क्या, कम से कम वो ये तो कर रहा है लेकिन भूल क्या कर रहा है, तत्व का स्वरूप तो सीखता है लेकिन तत्वों के स्वरूप को पहचानता नहीं, सीख लेता और पहचानता नहीं। जैसे स्वर ग्राम रागादिक के नाम भेद प्रभेद स्वरूप सीख लेता है परंतु उनके स्वरूप को नहीं पहचानता, और स्वरूप को पहचाने बिना क्या करता है, वो अन्य तत्वों को अन्य तत्व रूप मान लेता है, भाव वासना नहीं है ना, तो जीव की खतौनी अजीव में कर देगा, अजीव की खतौनी जीव में कर लेगा, माने स्वर पर का अंश, पर का अंश अपने में नहीं मिलाना और अपना अंश पर में नहीं मिलाना, ये सावधानी इसके नहीं रहती, इसलिए ये अपना अंश पर में मिलाता है, पर का अंश अपने मिलाता है। आश्रय को संवर तत्व मान के सेवन करता है, संवर को आश्रय मानता है, दुख को सुख के कारण, सुख को दुख के कारण, क्योंकि एक तत्व की सही पकड़ नहीं है कि संवर मतलब सुखरूप है, वो संवर सुखरूप है, सुखरूप वीतरागता है, वीतरागता ही सुखरूप है ऐसा श्रद्धा नहीं है, रागादि भाव में सुख की कल्पनाएं करता है, कहता है कि संवर सुखरूप और मानता गाय में सुख है टाक भाव में, तो अन्य माना ना, अने आश्रय को ही उसने सुखरूप मान रखा श्रद्धा में, तो उसके हिसाब से तो आश्रय ही संवर लग रहा है उसको, तो भूल है उसको, और संवर है जो वीतरागता रूप है वो उसको दुख रूप प्रतीत होता है,
रागादि भाव आकुलता रूप निभाषित होते हैं अंतरंग में, और वीतरागता भाव अंतरंग में सुख रूप भाषित नहीं होता। आत्मा सुख रूप भाषित नहीं होता और देह उसको सुख रूप ज्ञान रूप भाषित होती है। जो देह अचेतन है, जड़ है, जिसमें ज्ञान और सुख का अंश भी नहीं है, उसको वो क्या लगता है? सुख रूप लगता है, सुख को देने वाला लगता है, ज्ञान को देने वाला लगता है। इंद्रियां ज्ञान को उत्पन्न करने वाली दिखाई देती है कि ये मेरे ज्ञान को देती है, सुख को देती है, और जो आत्मा स्वयं ज्ञान सुख स्वरूप है वो उसको सुख रूप भाषित नहीं होता है। आत्मा की शक्ति भाषित ही नहीं होती है, निज की शक्ति उसको प्रतीति में नहीं आती कि मैं ऐसा अद्भुत तत्व हूँ, अपनी महिमा ही नहीं आती, पर की महिमा आती रहती है उसको, इसने इससे मुझे मिला, इससे मिला, उससे मिला, इससे मिला। तू अपनी महिमा ला, तू कितना महिमावंत पदार्थ है। भगवान जितेंद्र ने तेरी महिमा समोषण में गाई और तेरे को फिर भी अपनी महिमा नहीं आ रही, तेरे को फिर भी महिमा इधर उधर की पड़द्रव्यों की आ रही, और कुछ नहीं तो भगवान की महिमा आ रही। अरे भगवान कह रहे हैं तू तेरी महिमा लाए अपनी स्वयं, तू कितना महिमावंत पदार्थ। क्या हमारी महिमा करने से तेरे को सम्यक नहीं होगा? हमारी महिमा करने से हमारी महिमा आ जाएगी, हमारी भक्ति आ जाएगी, लेकिन तेरे अंतरंग के अंदर अपने स्वयं की आत्मा के प्रति रुचि और बहुमान उत्पन्न होने वाला नहीं। तेरे को तेरी आत्मा की महिमा आएगी तो आत्मा की रुचि होगी, आत्मा की रुचि होगी सम्यक तो समझ ना, परद्रव्यों की रुचि मिटे और अपने निज आत्मा की रुचि उत्पन्न हो। इसके ये नहीं है, ये तो क्या करता है, एक तत्व को अन्य तत्व रूप मान लेता है, अथवा सत्य भी मानता है तो निर्णय करके नहीं मानता, निर्णय नहीं है इसका कोई भी। जैसे मतवाला होता है ना, मतवाला कौन? पीने वाला, उसे कोई निर्णय नहीं है। अभी माँ को माँ कह रहा है और अभी थोड़ा सा अपन उसको माँ तो ही नहीं है तो तेरी पत्नी है, तो अभी पत्नी भी कहने लग जाए तो भरोसा नहीं। ऐसी कभी ये सच्ची बातें भी बनाता है, लेकिन अभी थोड़ा सा अपन इधर उधर की बातें करो तो फिर जो असली बात आएगी वो आ जाए, फिर थोड़ा से दूसरी बात करने लग जाए, कोई निर्णय नहीं है इसका। क्या कभी क्या कहता है, कभी क्या कहता है, कोई इसके अंतरंग में निर्णय निर्धार रूप एक बात नहीं है कि आगे पीछे कहीं से पूछो, एक बात है। क्या 10 बार पूछो, जैसे जिसका निर्णय है तो निर्णय है तो आप किसी भी तरफ से पूछो एक ही उत्तर आएगा कि वीतरागता ही श्रेयस्कर है। और जिसके चित्त में निर्णय नहीं है कि वीतरागता श्रेयस्कर है, वो कहीं वीतरागता को श्रेयस्कर बताएगा? मंदिर में वीतरागता श्रेयस्कर है और घर में तो राह ही काम आते, बिना राह के भी चलती है चीजें, तुम चला लो चीजें। निर्णय नहीं है कुछ भी, वीतराग मार्ग का श्रद्धालु नहीं है, श्रद्धालु राग का है, भले नाम जैन है लेकिन उसको अभी जैनत्व की खबर भी नहीं है कि जैन धर्म क्या चीज है। तो नमोकार मंत्र का ही अर्थ पूछ लो कि क्या है तो मुंह ताकने लग जाए, क्या करे, उसको खबर तो कुछ है नहीं। और इसलिए वो क्या करता है, कभी बातें भी बना लेता है। जैसे नेता लोग होते ना, नेता लोग क्या होता है, इनको कोई देवता लिख के इनके ये वगैरह रहते हैं, तो वो जैसे जैन जैन सभा में भाषण देने जाना है तो वो उन्होंने उनको लिख के एक्सपर्ट रखते हैं, प्रधानमंत्री का पीओ है ये, कोई भी हो अच्छे नेता का, अच्छे पढ़े लिखे को रखते हैं, तो जैन जैन धर्म की क्या मान्यता है उसको पता है, लिख लो तो ये याद कर लेता है, वहाँ जाके वैसे बोलने लगता लोग लोग दो साक्षात साक्षात वाणी खिल रही है। मैंने कहा कुछ नहीं खिल रही है ये अभी यहाँ क्या बोल रहा है, और अभी एक घंटे बाद शिव जी की सभा में जाएगा तो वहाँ क्या कुछ और बोलेगा, इसकी कुछ भी श्रद्धा नहीं है, ये तो लिखी हुई पढ़ के सुना रहा है। तुम ये समझने लग गए कि इसको बहुत जैन धर्म का ज्ञान है तो तुम ब्रह्म में हो क्या, और ये क्या निर्णय देगा जिसके खुद का यदि ऐसा इसको श्रद्धा हो गया है तो स्पष्ट कहे ना कि जिन मार्ग ही सत्यार्थ मार्ग है, यही एक सत्य है मार्ग है और बाकी सब असत्य है, यही श्रेष्ठ है, वीतराग का ही श्रेष्ठ है और सराग का दुख रूप है, हे छोड़ने लायक, वो सब कांच के समान है और ये हीरा है, बोल
यहाँ आए तो अपनी ढपली बजा दे, वहां जाए तो उनकी, और वहां जाए तो उनकी, नहीं इधर का ना उधर का, कहीं का नहीं क्या निर्णय है उसके? कोई निर्णय नहीं, जो नेता है नेता का तो कोई निर्णय नहीं हो, तो और सबसे गया बिचारे, जहाँ जाएगा वो वहां की घंटी बजा देगा, वहां ढोक दे आएगा। उसका काम तो लोगों को प्रसन्न करना है, उसका अपना अंतरंग श्रद्धान क्या है उससे पूछो तो कुछ भी नहीं है, वो तो सबके हैं। लेकिन ये तो ऐसी इसकी स्थिति है कि ये बातें कभी कैसी बनाता है, यथार्थ बात बनाता है, और फिर कभी फटाक से पलट भी जाता है। वो सब बातें तो मंदिर के लिए, यहाँ तो ही नहीं करना, यहाँ अलग बात है। तो स्वरूप भाषित नहीं हुआ, अथवा सत्य भी मानता है तो निर्णय करके नहीं मानता, इसलिए उसके सम्यक तो नहीं होता। दो बातें कही उन्होंने, एक तो अन्य तत्व को अन्य तत्व रूप मानता है, सम्यक में सबसे बड़ी भूल यही है कि ये क्या करता है, मिलावट करता है। जैसे अपना अंश पर में परकांश अपने मिलाता है, जीव को अजीव मानता है, अजीव को जीव मानता है, पहली भूल तो ये। अथवा सत्य भी कहता है, क्या सत्य भी मानता है तो निर्णय करके नहीं मानता, कोई निर्णय नहीं हुआ है इसको, आप जरा सा इसको हिला सकते हो, मैंने अचल श्रद्धा नहीं, अचल निर्णय नहीं है, वो एक बात का पक्का क्या यही है सत्य, वो तो जैसी कहो वैसी बोल देगा, अंतरंग में कोई भी निर्णय करके उसने श्रद्धा नहीं किया। दो बातें हुई ना, अन्य तत्व को अन्य तत्व रूप मानता है, अथवा सत्य भी मानता, मैंने सत्य भी कहता है तो निर्णय करके नहीं मानता, इसलिए इसके सम्यक तो नहीं होता। तथा जैसे, अब उल्टा केस है, पहला वाला केस तो कैसा लिया, जिसने पूरी एमए पढ़ रखी है, एमए में पूरा म्यूजिक सीख लिया और प्रैक्टिकल में जीरो नंबर आ गया, 100 थ्योरी में 100 और प्रैक्टिकल में 0। अब दूसरा केस है, जिसने थ्योरी कुछ नहीं पढ़ी, थ्योरी कुछ पढ़ा कुछ नहीं है वो, लेकिन आप देखो तो वो पूरा प्रैक्टिकल उसके बिल्कुल परफेक्ट है। कभी कभी ट्रेनों के अंदर जो बच्चे स्कूल भी नहीं गए हो कभी, और वो जो है अच्छी खासी छोटी मोटी लकड़ी से भी बीन बजा लेते हैं, तन तना तन बजा, और आप एमए करके भी आप नहीं बजा सकते ऐसे। गांव के अंदर ये जो आदिवासी लोग होते हैं, ये बिना कोई डांसिंग क्लास जाए क्या, बिना कोई गर्मी में कोई कैंप अटेंड करे, और वो वैसा डांस कर लेते हैं जो यहाँ अच्छे अच्छे लोग समूह में नृत्य कर लेते हैं, बजा लेते हैं अपने हिसाब से, और यहाँ इनको कितनी ट्रेनिंग देते रहे तो भी कोई कहाँ जा रहा, कोई कहाँ जा रहा। भाव वासना है उन लोग, इनको भाव वासना नहीं हो रही। तो ये दूसरा केस है, जिसने कुछ नहीं पढ़ा और उसने नंबर फर्स्ट हासिल कर लिया। उसी प्रकार शास्त्र पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, पढ़ा हो या ना भी पढ़ा हो, लेकिन यदि जीवादि के स्वरूप को पहचानता है तो वो सम्यक दृष्टि है। यद्यपि वो उसने पूर्व भाव में कभी ना कभी पढ़ा होगा, लेकिन उस भाव में नहीं भी पढ़ा है, लेकिन उसके स्वरूप की उसको श्रद्धा हो गई। ऐसे अनेक त्रियंश बताएंगे आगे, त्रियंश जिनको भाव वासना हो जाती है, थोड़ा बताने पे भी उनको स्वरूप भाषित हो जाता है कि हाँ ये ऐसा है ये ऐसा है, उनके चित्त में अचल श्रद्धा उत्पन्न हो जाता है, अनुभूति प्रकट हो जाती है, और वो आनंद भोगते हैं अपने निजानंद क्या, बिल्कुल देह उनको एकदम तुच्छ जड़ रूप भाषित होती है, और इसलिए बिल्कुल देह से बिल्कुल पृथक ही होना चाहते हैं, रागादि भाव दुख रूप भाषित होते हैं, और इसलिए वो मतलब किसी भी पर्याय में रहते हैं, लेकिन वो अपना आत्मिक आनंद भोगते हैं और अल्पकाल में मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं, और ये पढ़ा लिखा भी बेचारा जो है वो भाव वासना के बिना कोरा रह जाता है। उसी प्रकार शास्त्र पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, यदि जीवादि के स्वरूप को पहचानता है तो सम्यक दृष्टि है। जैसे हिरण, हिरण का उदाहरण दिया देखो उन्होंने, हिरण जो कि मनुष्य का भी नहीं दिया, मनुष्य तो फिर भी थोड़ा बहुत मतलब उसमें बुद्धि अच्छी होती है, फिर भी किसी से पढ़ लिख ले थोड़ा बहुत स्वर आदि का स्वरूप, लेकिन हिरण स्वर रागादिक का नाम नहीं जानता, जानता हिरण, हिरण को स्कूल में नहीं गया, सा क्या है राग रे सारे गामा पादा निसा ऐसा कोई उसने स्कूल में जाके ट्रेनिंग नहीं ली, परंतु उसके स्वरूप को पहचानता,
क्या ये हिरण का वध, मतलब ये हिरण सच्चे संगीत कौन सा है, संगीत की ऐसी मुग्ध हो जाता है उसमें कि वो अपने आप संगीत बजाने वाले के पास चले जाता है, लेकिन वो भी कब किसके पास, जो सही ढंग से बजाना जानता। तो उसको हिरण को स्वरों की पहचान है कि ये बराबर सही पहचान है, तो वो उस दिशा में चले जाएगा। अब क्या सीखा उसने, कहीं नहीं सीखा, लेकिन फिर भी उसको स्वरादिक का स्वरूप पहचान कि कौन सा स्वर है, किस तरह से बजा रहा है, बराबर सही है कि नहीं गलत है। माने वो उसी में मंत्रमुग्ध होता है जो यथार्थ रीति से बजाया गया होता है। ऐसे कुछ तो भी बजा था तो उससे मंत्रमुग्ध नहीं होता, क्योंकि उसको पहचान है। हो सकता है कि यहाँ मनुष्य को पहचान नहीं हो, क्या मनुष्य दोष नहीं निकाल सके, लेकिन वो दोष निकाल देगा। तो हिरण आदि, हिरण ने स्वरंगीत का स्वर नहीं जाना है, राग आदि के नाम नहीं जानता है, माने कि ये कौन सा है, ये तालु वाला है कि कंठ वाला है कि ये होठ वाला है, ऐसे कितने सारे इनके भेद प्रभेद होते हैं ना, ये मूर्धन्य है, ये क्या है, ऋषभ है, शारद है, गंधार है, निषद है, ये सब कुछ नहीं जानता, नाम नहीं जानता, परंतु उसके स्वरूप को पहचानता है। उसी प्रकार तुच्छ बुद्धि जीवादिक का नाम नहीं जानता, माने तुच्छ बुद्धि माने कि जो, हाँ मतलब बहुत ज्ञान का छह अक्षर बहुत विशेष नहीं है, ज्ञान का छह अक्षर सामान्य नहीं है, परंतु उनके स्वरूप को पहचानते हैं। क्या स्वरूप को पहचानते हैं, कि ये मैं हूं, यह मैंने अनुभव करके, ये जो अनुभव में आता हुआ आत्मा है ये मैं हूं, ये जो ज्ञान स्वभावी आत्मा है ये मैं हूं, और ये जो देहादि के ये क्या है, ये पर, इस पर की बात हो, और ये भाव बुरे हैं, ये जो रागादि भाव होते हैं ये भाव दुखरूप भाव है, ये बुरे हैं, और ये भाव मैंने ये वीतराग का रूप जो भाव है, ज्ञाता दृष्टा रूप जो परिणति है वो भली है, वो स्वभाव रूप है, सुकर है। इस प्रकार स्वरूप को पहचाने उसका नाम भाव वासना है, इस प्रकार से स्वरूप को पहचाने तो उसका नाम भाव वासना है। मैंने अंतरंग में जो भाव होते हैं उनमें पहचान करना सीख जाए कि कौन से भाव दुख रूप है और कौन से भाव सुख रूप है, ये भाव हो तो रहा है मेरे अंदर लेकिन ये कितनी आकुलता को उत्पन्न करने वाला हो रहा है, दुख रूप है ये भाव, नष्ट करने लायक है, और ये जो परिणति वीतराग परिणति ज्ञाता दृष्टा रूप सहज जानने देखने रूप ये सुखरूप परिणति है, ये मेरा निज का स्वभाव है, ऐसा भाव वासना माने ये मेरी चीज है, इसमें सुख है, और ये मेरी चीज भी नहीं है और इसमें क्या है, दुख है, किसमें सुख है किसमें दुख है, और ये भाव वासना अपने को हो सकती है। अंदर में थोड़ा भी विचार करे तो ये रागादि भाव जो हो रहे हैं ये आकुलता में भाषित होते हैं, क्या दुख रूप भाषित होते हैं, इसलिए नाश करने योग्य, और वीतराग का रूप भाव सुखकारी लगता है, इष्ट लगता है, आनंद रूप लगता है, तो इसकी प्राप्ति करने योग्य है। जीव है चेतना ज्ञान दर्शनमय है, जीव जो है वो ज्ञानानंदमय है, मैं ज्ञानानंद स्वरूप ही आत्मा, और ये जो देहादि है इसमें कुछ भी ज्ञान और आनंद नहीं है, ये जड़ रूप है, ऐसी भाव वासना है उस, मतलब देह में रहते हुए भी देह क्या लगे, बिल्कुल भिन्न लगे, जड़ है। एक 50 साल का ये 50 किलो का जड़ मुर्दा मेरे साथ में चलता है, लेकिन मैं उससे बिल्कुल क्या हूँ, न्याना हूँ, पृथक हूँ, ये मूर्ति गए अमूर्ति का आत्मा में हूँ, इससे बिल्कुल भिन्न हूँ, ऐसी भाव वासना उसको हुए। क्या इसमें मेरा कुछ भी ज्ञान और सुख का अंश भी नहीं है, इसमें इस मूर्ति शरीर में अचेतन जड़ शरीर में, ये तो बिल्कुल जड़ मिट्टी का पुतला है, और मैं कैसा हूँ, मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, ज्ञानानंद स्वरूप हूँ, तो सारी शक्ति मेरे में ही है, इसमें तो कुछ भी नहीं है, ऐसा इसको स्वरूप पहचाने, इस प्रकार से भाव वासना हो गए तो वो सच्चा सम्यक दृष्टि के लाएगा। देखो उन्होंने आगे एक और उदाहरण दिया शिवभूति मुनि का, शिवभूति मुनि जीवादिक का नाम नहीं जानते थे, ये कहानी आती ना पूरी, शिवभूति मुनि थे, उनकी ज्ञान का छह अक्षर बहुत कम, 7 तत्व का नाम भी याद नहीं होता था, तो उनको एक ही बात कही उनके गुरु जी ने कि तुम इतना याद रखो, क्या मातुस और मा मुस, मातुस का अर्थ होता है
तुष माने मां, तुष मां रुस, तुष माने द्वेष, मां माने मत करो, रुस माने राग, मां माने मत करो। ये उनको दिया था उपदेश, उपदेश ये दिया था, उपदेश तो ये दिया था कि राग मत करो, द्वेष मत करो, मां तुष मां रुस। तो वो भूल गए, वो भी को भी याद नहीं ना, और वो क्या रखने लगे, तुष मास भिन्नम, तुष मास भिन्नम, तुष मास। वो जो है वो तुष मा और रुस, तुष मा रुस मा, और तुष मा रुस मा अलग हो गया, और तुष मा रुस भिन्नम ये आ गया उनको याद, तुष मास भिन्नम, तुष मास भिन्नम। अब शब्द कुछ और ही दिया, अर्थ कुछ और ही था, रटने कुछ और ही लग गए, तुष्मा भिन्न ऐसा रटने लगे। सो ये सिद्धांत का शब्द था ही नहीं, सिद्धांत का तो कुछ और ही था जो सिखाया था, वो सिद्धांत का शब्द नहीं था जो उन्होंने, जो उनको याद रह गया। परंतु क्या हुआ कि उन्होंने तुष्मा भिन्न दिए, मेरे को गुरु जी ने पाड़ दिया। एक बार क्या हुआ कि वो तुष्मा इतना ही इतना पढ़, ये पाठ जो है वो बार बार गुनगुनाते थे, याद करते थे, तुष्मा भिन्न, तुष्मा भिन्न। उन्होंने एक व्यक्ति को, कौन थी वो, धोबन, धोबन जो भी थी, एक महिला को उन्होंने दाल और छिलका अलग अलग करते हुए देखा, तो उसको अलग अलग करते हुए देख के उनको ये भाव भाषित हुआ, क्या तुस भिन्नम मास भिन्नम। ये तो गुरु जी ने समझाया था कि छिलका अलग है दाल अलग है, छिलका अलग है दाल अलग है का भाव क्या भाषित हुआ, दे भिन्न आत्मा भिन्न। और उन्होंने जो अंतरंग में उसकी भावना भाई और वो भावना उत्तर हुई और उनको अंतर्मृत में केवल ज्ञान हो गया। क्या अब पढ़ाया क्या था, याद क्या रह गया, और उससे क्या अर्थ निकाला, और वो क्या चीज देख के निकाली, लेकिन बस सही चीज पे पकड़ कर दिया, क्या उसका भाव भाषित हो गया उनको कि भाई ये भिन्न भिन्नता की बात कह रहे हैं और ऐसा भिन्न भिन्न में हूं, और इस प्रकार से उन्होंने अंतरंग में अपने स्वरूप में लीन हुए अंतर्मृत केवल ज्ञान प्रकट किया। तो कह रहे हैं यद्यपि सिद्धांत का वाक्य नहीं था, लेकिन वाक्य नहीं था, लेकिन उसकी भाव भावना जो उनको सिखाना था, जो हमें पढ़ाना था, वो चीज उन्होंने पकड़ कर ली उसकी, और तो पकड़ कर ली थी काम, छिलका अलग है दाल अलग, उससे अर्थ निकाला उन्होंने, ये भी नहीं उससे छिलका अलग है दाल अलग है, ठीक इसी प्रकार देह अलग है आत्मा अलग, ऐसी अंतरंग में भाव वासना प्रबल हुई तो उससे क्या हुआ, केवली हुए, परंतु स्व और पर के भाव रूप ध्यान किया इसलिए क्या हुए, केवली हुए, केवली हो गए, केवल ज्ञान प्रकट कर लिया उन्होंने। अनंत हो गए, और 11 अंग के पाठी जीवादि तत्वों के विशेष भेद जानते हैं, भेद प्रभेद सब, परंतु भाव भाषित नहीं होता, इसलिए मिथ्या दृष्टि होते हैं। क्या भाव भाषना पूर्वक उसका अध्ययन ही नहीं है उस तरह से कि जिससे वो मेरे जीवन के लिए उपयोगी है ये चीज। और तो धर्म भी ऐसे पढ़ता है कि मैं जानकारी हासिल कर लो, जैसे दुनिया के अंदर जनरल नॉलेज बढ़ाना है, कितने हिंदुस्तान में कितने प्रदेश हैं, कितने ऐसे जीव के कितने भेद हैं, 5, ठीक है, परीक्षा में कहीं भी आएंगे लिखेंगे 5। इंफॉर्मेशन गैदरिंग क्या बढ़ा रहे हैं ये, यहाँ से भी ये कोई इंफॉर्मेशन गैदर करके क्या मिल रहा है इससे, ये इंफॉर्मेशन का अपने लिए उपयोग करना सीखे तो इंफॉर्मेशन काम की है। हर चीज का अपने उपयोग करे, पहले तो जो चीज सीखे उसका अप्लाई करें कि इससे मेरे को क्या लाभ हो रहा है, ये जो मैं पढ़ रहा हूँ इससे मेरे हित की किस प्रकार से सिद्धि होगी, क्या इससे मेरी क्या सिद्धि होगी, इससे मेरे को मेरा क्या लाभ हो रहा है, मेरे से मेरे कौन से प्रयोजन की सिद्धि होगी, तो सब सही है, अपने तो आना है अपने जो भी है सीख लो, क्या अपने को भी थोड़ा पता हो, कभी कहीं प्रश्न मंच होगा तो बता दें क्या।
इतनी छोटी चीज में सोचते उलझा हुआ जी। अनंत संसार का, जो अनंत संसार का अभाव हो जाए, स्वयं अनंत बन जाए जिस बात से, और उसका उपयोग केवल किस चीज के लिए हो रहा है, प्रश्न हो सके। अरे ऐसी पढ़ाई पढ़ तू जिससे भाव वासना हो तेरे को, तो अपने जीवन में उसको लगाना सीख, हर चीज को लगाना सीख, इससे मेरे जीवन में क्या लाभ होता है। धर्म तो अमृत है, अमृत ये जीवन को सुखी बनाता है। जिसकी चाह लेके आया कि वो चाह ही मिट जाए, ऐसी चीज है ये, तो इसको लो। ये 11 अंक पढ़ने के बाद मिथ्या तो बना रहता, कितना खतरनाक केस है ये वाला। एक ऐसा केस है, कितना बढ़िया, बिना इतनी ज्यादा कुछ पढ़ाई नहीं हुई, भाव भावना करके सम्यक हो गया, और दूसरा 11 अंक पढ़ के भी मिथ्या दृष्टि मिथ्या दृष्टि। इसलिए कीमत किसकी है, भाव भावना की कीमत है। अब ये जनरल बात करी पंडित जी ने, अब एक एक तत्व के अंदर विशेष डीप में जाके कि किस प्रकार से भाव भावना नहीं होती। आपने तो कह दिया, अभी भी हमको समझ में नहीं आया कि भाव भावना कैसे नहीं होती, अथवा क्या भूल कर लेते हैं। इतना पढ़ते हैं 11 अंक का पढ़ने वाला फिर भी भूल कर जाए तो क्या भूल रहती है, एक एक तत्व संबंधी बताओ। जीव अजीव में क्या भूल रहती है, आश्रम में क्या है, बंध में क्या है, समर में क्या है, निर्जन में। तो अब इसके तत्व सिद्धांत किस प्रकार होता है, सो कहते हैं जीव अजीव तत्व का अनुसार। इन दोनों की भूल एक साथ चलती है, किन दोनों की, जीव अजीव, क्योंकि जो जीव संबंधी भूल करेगा उसकी अजीव संबंधी भी, जो अजीव संबंधी करेगा जीव संबंधी। इसके लिए अपने एक उदाहरण देते हैं हमेशा, कौन सा, नींबू और संतरे का उदाहरण हमेशा तो देते हैं। जो नींबू नहीं समझता है उसको संतरा भी नहीं मालूम है, जिसको नींबू खरीदने के लिए भेजा बाजार में और क्या ले आया, संतरा, तो इसका मतलब उसको अकेले नींबू का ही ज्ञान नहीं कि संतरे का भी ज्ञान नहीं, दोनों का ज्ञान नहीं। ऐसे जो जीव को अजीव मानता है, ना उसको जीव का श्रद्धा ने ना जीव का श्रद्धा, उसको दोनों ही की भूल है। इसलिए दोनों भूलों का एक साथ वर्णन करते हैं, जीव अजीव तत्व का अन्यथा रूप। देखो, जिन शास्त्रों से जीव के त्रस स्थावर आदि रूप तथा गुणस्थान मार्गण आदि रूप भेद को जानता है, अजीव के पुद्गल आदि भेदों को तथा उनके वर्णादि विशेषों को जानता है। क्या करता है, जिन शास्त्रों से, मैंने जिनेन्द्र भगवान द्वारा कहे गए शास्त्रों से, ये त्रस स्थावर अगर भेद जान लेता है, जीव के भेद कितने हैं, त्रस और स्थावर, त्रस के कितने भेद हैं, दो, स्थावर के कितने भेद हैं, पांच, सब सीखा, सब सीख ली, पूरी डिटेल बता देगा आपको। और ज्यादा करो तो सब उसके जीव के 14 गुण स्थान है, 14 मरण स्थान है, एक गुण स्थान में मरण स्थान, सब सारे भेद प्रभेद पूरी डिटेल जानता है। अजीव के पुद्गल आदि भेद, अजीव पांच प्रकार के, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, फिर पुद्गल के दो भेद हैं, अणु, स्कंद, स्कंद के 23 भेद हैं, सब बता देगा। और उनके वर्णादि विशेषों को जानता है कि पुद्गल में स्पर्श होता है, रस होता है, गंध होता है, वर्ण होता है, इसमें इतना वर्ण, इसमें ये वर्ण होता है, इसमें ये रस होता है, इसमें गंध होता है, उनकी सारी डिटेल जानता है। अब ये तो अच्छी बात है ना, देखो ये इसने शास्त्र पढ़ के ही समझे, ये सब कोई उसने बिना शास्त्र के नहीं समझे, शास्त्र पाठी है वो, इतना काम उसने किया है। अब उसकी भूल क्या है वो बताते हैं। परंतु अध्यात्म शास्त्रों में भेद विज्ञान को कारण भूत व वीतराग दशा होने को कारण भूत जैसा निरूपण किया है वैसा नहीं जानता। मैंने यूं कहे इसको कि प्रथमा नियोग पढ़ लेता है, कर्णानियोग पढ़ लेता, चरणानियोग पढ़ लेता, वो कर्णानियोग भी पढ़ लेता, कर्णानियोग में जीव जीव के भेद भी सीख लेता। लेकिन ये भेद विज्ञान को कारणभूत जो अध्यात्म शास्त्र है उसमें ये जीरो है, अध्यात्म शास्त्र का पाठी नहीं है। अव्वल तो ऐसी बात है, क्या इसने कभी समय सार खोल के देखा ही नहीं, प्रवचन सार सुने ही नहीं, नाम भी सुने, कोई ग्रंथ भी प्रवचन सार। और इसलिए जो है वो जो भेद विज्ञान को कारणभूत निरूपण तो उसमें ही, जिससे तत्व का यथार्थ श्रद्धा न वो स्वरूप तो वह निरूपित किया है, वो इसने पढ़ा ही नहीं है,
तो जो उसका प्रयोजन है वो प्रयोजन की सिद्धि इसकी कैसे हुई? क्या? क्योंकि अध्यात्म शास्त्रों में दो दो शैली से निरूपण किया, वहां ज्यादा विस्तार पे जोड़ नहीं दिया है, वहां उन्होंने दो प्रयोजन मुख्य रखे, कौन कौन से? एक तो भेद विज्ञान हो और एक वितराग दशा हो, और उस दृष्टिकोण से उस एंगल से उन्होंने वर्णन किया कि भेद विज्ञान होने को कारण भूत और वितराग दशा होने को कारण भूत, जैसा निरूपण वहां किया है ऐसा नहीं पहचान, क्योंकि इसने तो सुन रखा है कि ये तो अपने को पढ़ने लायक है, ये तो अपने लिए है नहीं ये सब चीजें, ये तो इसमें ये अध्यात्म शास्त्र सब जो है वो किसी और के लिए है, बहुत बड़े लोगों के लिए, ये तो अपने लिए थोड़ी नहीं। जबकि ये अध्यात्म ग्रंथ तो सबसे पहले अपने लिए, क्योंकि सम्यक दृष्टि होना ये जीव का सबसे पहला कर्तव्य है, तो सम्यक्ति होने के लिए जो निरूपण दिया उसमें वो वहां है मिले, मैंने सम्यक्ति होने के लिए क्या करना? भेद ज्ञान प्रकट करना, तो भेद विज्ञान प्रकट करने के लिए जैसा निरूपण होना चाहिए वैसा निरूपण उन अध्यात्म शास्त्रों में किया, और नहीं पढ़ेगा तो वो दृष्टि मिलेगी नहीं, जिंदगी भर कोरा रहे, भले कितना ही पढ़ ले तो धर्म पड़ेगा, लेकिन वो दृष्टि नहीं मिलेगी। वो कौन सी दृष्टि? कि कोई भी वस्तु में भेद विज्ञान निकालना, वितरागता निकालना, अपने मतलब को निकालना, वो एंगल नहीं आ पाया। और यदि ये निकालना सीख गया तू, क्या चीज? भेद विज्ञान और वितरागता, समझ लेना जैन दर्शन की पूरी पकड़ आ गई, समझ में? दो चीजें की है ये तो, क्या चीजें? भेद विज्ञान और वितरागता, और भेद विज्ञान होने को कारण वो जो निरूपण किया है और वितरागता होने को कारण वो जो निरूपण किया वही नहीं पहचानता। मैंने सारी थ्योरी सब पढ़ लिया, और पढ़ने के बाद में अपन ने पूछा क्यों भैया इसका सार क्या लिया, तो सार तो बोले यही है कि इसके इतने भेद पर पुद्गल के इतने भेद है, और ये है शरीर के अंदर ये पाई जाती है, जैसे डॉक्टर है ना, डॉक्टर पुद्गल का पूरा वर्णन करता है शरीर का, इसमें इतनी चर्बी है, इसमें इतना खून है, इसमें इतनी मांस है, इतनी हड्डी है, इतनी है, लेकिन एक लाइन गायब है, ये सब है लेकिन ये सब मेरे से भिन्न है, ये सब शरीर है मैं नहीं हूं, ये सब वो एक लाइन गायब है, तो वो भी निरूपण कर देता पुद्गल का, लेकिन जो उसमें बात आनी चाहिए थी, काम की बात तो आनी चाहिए थी ना, ये अलग है कोई अलग, नहीं तो वो सारा पढ़ाने का मतलब क्या रहा? पुद्गल के सारे भेद प्रभेद बताने का मतलब ये कि पुद्गल तेरे से भिन्न है, उसकी भिन्नता भाषित हो तो सारा पुद्गल का स्वरूप पढ़ना कार्यकारी है, और सारा पुद्गल का स्वरूप पढ़ के भी अपने को ये भाषित नहीं हो ये पुद्गल भिन्न है और मैं भिन्न हूँ, तो वो कार्यकारी नहीं हुआ। इसके लिए मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूँ, वो हरिश्चंद्र का, सत्यवादी हरिश्चंद्र का नाटक कोई देख के आए, उसका इंटरव्यू लेने पहुंचो, क्या देखा? पगड़ी छाप मारवाड़ी सेठ, क्या सीखा? कि सत्य बोलने में कोई दम नहीं है, तो माता पकड़ लिया उसने, बाप रे बाप, जिसने नृत्य किया पूरा इतनी देर तक नाटक किया, उसने सोचा भी नहीं कि मैंने जो नाटक किया उससे कोई ये सीख के जाए, क्या सारा काम फिनिश हो गया, सब एक लाइन में उसने बोल के सब गुड़ ओवर कर दिया अपने 3 घंटे की मेहनत। सत्य बोलने में काई दम न थी, कि तुम्हारी बुद्धि में मोटी पगड़ी के अंदर कैसे जाएगी ये बात। उसका सार नहीं निकाला ना उसने, ऐसे इसको अपन ने सब कुछ पढ़ाया जीव अजीव, और जो सारभूत चीज थी कि ये दोनों भिन्न भिन्न है वो ये नहीं निकाल ही नहीं पाया, तो वो कहते हैं कि इससे इसने क्या मतलब, इसको जीव जीव तत्व का श्रद्धा नहीं हुआ, सिद्धि नहीं हुई, सिद्धि की कुछ नहीं। और एक वितराग दशा होने को, वितरागता निकलनी चाहिए ना उससे सारभूत, क्या जिनवाणी पढ़ के निकालनी क्या है? वितरागता निकालनी कि राग निकालना है? नहीं तो ऐसे अनेकों कथन है जिनवाणी के अंदर, क्यों? भरत चक्रवर्ती कितनी रानियां थी? 96,000 रानियां, तो तुम भी लो एक करो, 1, 2, 4, 3, 4 वहां तो बहुत अपनी अक्कल लगाते हैं लोग, इसे कितने तर्क देते हैं रात्रि भोजन करने के, अब जमाना बदल गया ये हो गया वो हो गया है, और अभी ये अपन लोगों से कहते हैं कोई चीज की भाई थोड़ा सुधार करो, इतनी शोरगुल मत करो, बोले भगवान महावीर स्वामी के जन्म दिवस के ऊपर कितने सारे वाद्य यंत्र बजे, तो वाद्य यंत्र बचे तो वो कोई एम्पलीफायर लगा के तो वाद्य यंत्र बजाते थे।
बजाओ अपने मुंह से तो पता चल जाएगा कितने बजाए। मतलब कहीं भी कुछ भी अपने मन से कुछ भी ठोक देना। जिन्हें धर्म की एबीसीडी नहीं है वो उनको बता रहे हैं, तुम्हें मालूम है क्या है, किसने बजाए थे और क्यों बजाए थे और किस कौन कितने अच्छे तरह से बजाते हैं। वो गंधर्व जाति के देव होते हैं, उनका सुनना इतना सुरीला होता है कि जो पशु होते हैं वो भी मोहित हो जाते हैं। वो तुम्हारे तक कैसे है ये सब, किसी का कान और खराब हो जाए क्या। कहीं भी कुछ भी अपने हिसाब से जो मन की वो ले लिया, अपने अपने मतलब की बात निकाल दी उसमें से, तो ये कोई प्रकरण तो उससे सिद्धि क्या हुई उसकी। अरे तुमने जो जो स्वरूप बताया था उससे जो वितरागता निकालनी थी वो तो निकाली नहीं, और अपने मतलब की पोषण की राग बढ़ते बात और निकाल दी। जिसको स्वच्छंदता का पोषण करना उसमें स्वच्छंदता निकाली, राग का पोषण करना राग की चीज निकाली, जिसको मान कषाय कषाय निकाली। अरे भाई उसमें से निकालना केवल वितरागता है, पूरे द्वादशांग का प्रयोजन वितरागता है और भेद विज्ञान है। जिसने दो बात समझी है उसने उसको सब कुछ सही समझा है, और ये दो में कोरा है तो पूरा कोरा ये नहीं करता है। ये लाइन याद रखना आपका, अध्यात्म शास्त्रों में भेद विज्ञान को कारणभूत व वितराग दशा होने को कारणभूत जैसा निरूपण किया है वैसा ये नहीं जानता है, और नहीं जानता है तो इसको श्रद्धा होना तो मुश्किल। जब इसने सुनी नहीं, इसके कानों ही नहीं पड़ी है कभी भेद विज्ञान की बातें और वितराग दशा होने को कारणभूत बातें, तो जब कान में ही नहीं पड़ी है तो इसका श्रद्धा कहाँ से हो जाएगा। कोई सपने मतलब कोई अपने आप तो ही नहीं हो जाएगा भाई, उस जाति के शास्त्र का अभ्यास ही नहीं है। कौन? नहीं, ये तीन अनियोग का अभ्यासी है, ये द्रव्य अनियोग का अभ्यासी नहीं है। व्यवहारवासी को व्यवहार का पक्ष है, अध्यात्म शास्त्र का अभ्यास नहीं किया, पहला पॉइंट तो ये। फिर दूसरे पॉइंट पे उसको लेंगे कि कभी जानना हो भी जाए, कभी पढ़ भी ले तो पढ़ लेता है, तो वो पढ़ता तो कैसा पढ़ता है वो आगे की बात आएगी। पहले स्टेज पे तो उसको लिया है, एक एक क्रम क्रम से बढ़ते जाएंगे अपन। सबसे पहला शिष्य तो कौन है यहाँ पे, जिसने अध्यात्म शास्त्र का अभ्यास ही नहीं किया। फिर बाद में कहेंगे कि कभी अध्यात्म शास्त्र का प्रसंग अनुसार जानना भी हो जाए तो शास्त्रानुसार जान लेता है, परंतु आत्मानुसार नहीं जानता है। ये सब आगे आएगी, अभी तो बातें आएगी सारी, ठीक है, बाकी चर्चा है।